हे माय फैमिली, क्या हाल आप सभी के। मेरी आवाज को क्या हो गया? शायद लगता है लड़की का करैक्टर देख के मेरी आवाज ही बदल गई थी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस, आज आपको मैं मिलवाने वाला हूँ एक और मोबाइल के अंडररेटेड प्लेयर से। जी हाँ, वाकई में उस बंदे का गेम काफी अच्छा है और मैंने उससे बात करी है और उसका गेम देखा कुछ दिन पहले रिएक्शन स्ट्रीम पे दूसरे चैनल से। और बात करें तो उसको बंदे भाई मोबाइल पे खेल रहा है, पैनल यूजर बोल रहे हैं, उनको पता नहीं था कि पीसी पे खेल रहा है तो उसको पैनल यूजर बोले जा रहे हैं। और इवन मैं उसको खुद पीसी प्लेयर समझ रहा था। जब मैंने उसका गेम डीपली देखा, दूसरी वगैरह वीडियो देखी, तब पता चला कि वो फोन प्लेयर है। विश्वास नहीं आता। आप ये क्लिप देखो कि बंदे कैसे इसके गेम प्ले को देख के पागल होते हैं। बाय गॉड, अच्छा टकारू को पकड़ लिया क्या? टकारू को पकड़ लिया मैं क्या? तो अगर टकारू की आवाज कहाँ से आ गई? अरे पक्का पैनल है, सही बात जी। ऐसा था कुछ रिएक्शन सारे बंदों को जब इसका गेम प्ले चल रहा। सच में वाकई काफी अच्छा लगा मुझे भी। और बाद में मैंने इसको बुलाया इंस्टा से मैसेज वगैरह करके, मैंने कहा चलिए आप 1v1 करिए। बोला कि मैं 1v1 में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना 1v3 और 4 में हूँ, तो फिर मेरे पास इतनी जल्दी बंदे अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वर्ल्ड चैट वगैरह से बुलाते हैं तो बैक करके चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं बोला उनको कि आप अपने ही बंदे लिए हैं 3-4 और आपका मैं गेम स्पेक्टेड से देख के रिकॉर्ड करता हूँ। तो बंदे ने काफी अच्छा खेला और मैंने उससे कुछ बातें भी करी। पहले बातें सुनी है, फिर बाद में चलते हैं सीधे गेम प्ले की तरफ। हेलो मिंटो ब्रो, मिंटो लिंटो यार तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है ब्रो, सच में मिंटो। क्या ब्रो, क्या ब्रो, कहां से हो दोस्त तुम? ब्रो मैं हैदराबाद से। हैदराबाद से यार, तुम्हारे क्लचेस वगैरह देख के सच में मैं खुद घूम गया। जब मैं रिएक्शन किया तुम्हारे चैनल पे, तुमको पैनल यूजर बोल रहे हैं और तुम खेलते फोन में हो। मेरे को भी एक पल पता ऐसा लगा था जब तुम देख रहे होगे रिएक्शन कि मैंने बोला था कि ये पीसी प्लेयर है। बाद में देखा तुम्हारा कस्टमर की ये तो फोन प्लेयर निकला। तुम बाहर ही इतना गंदा रहते, कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि तुम फोन में कुछ यूज कर रहे हो ब्रो? नहीं ब्रो, नहीं नहीं, ऐसे कुछ यूज नहीं करते हैं, हम फेयर प्लेयर है। तो आपका क्या कराना है, 1v1, 1v2, 1v3 या 1v4? 1v4 कोई बात नहीं ब्रो। मेरे को ये समझ नहीं आता कि अक्सर हम बंदों को देखते हैं कि मोबाइल प्लेयर 1v1 के लिए ज्यादा जाते हैं, तुम 1v4 के लिए कैसे जा सकते हो? मतलब इतना कॉन्फिडेंट कहां से आ रहा है तुम्हारे अंदर? मतलब हम ज्यादा 1v4 प्रैक्टिस करते हैं ब्रो। ब्रो कुछ हैक वैक तो नहीं है, देख लेना ब्रो। नहीं है ब्रो, चेक कर सकते हो। यही तो सीन है ब्रो, तुम्हारी एक क्लिप देख के आप 1v6 मार रहे हो, कहीं 1v4 मार रहे हो, यूट्यूबर्स गुस्सा हो रहे हैं तुम पे, ऐसा मार रहे हो, गालियां दे रहे हैं तुमको। रेडियो फिर तुम्हारा कराया जाए 1v4? हां ब्रो करा दिया है। चलिए आप सबको दिखाते हैं आप मिंटो का गेम प्ले 1v4 में चार धुरंधरों के सामने। जी हां, क्या पे मिंटो धमाल बवाल मचा पाएंगे या फिर नहीं, चलिए देखते हैं। चार धुरंधर तैयार इस मुकाबले के अंदर, सामने है मिंटो, देखते हैं क्या होगा। मिंटो के हाथ में डेजर्ट ईगल है। जी हां, फोन प्लेयर होने वाले हैं और पहला हेडशॉट काफी ताबड़तोड़ तरीके से आएगा पे मिंटो का, और एक और हेडशॉट। देखते से ही हेडशॉटों की बारिश नजर आ रही है मेरे को कहीं ना कहीं, और एक बंदे को बॉडी इतनी मारी कि वो बॉडी में खत्म ही हो गया। बचा है आखिरी बंदा। जी यहाँ पे मिंटो तैयार है पे, इनकी एंड बंदे पे थोड़े से नर्वस दिखते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या पाबंदी निकाल पाएंगे। चलिए एक और बेहतरीन हेडशॉट, पहला राउंड हवा की तरह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। काफी तेज तर्रार यहाँ पे गेम प्ले कर रहे हैं मिंटो। चलिए देखते हैं दूसरा राउंड। मिंटो हाथ में है UMP, सामने है चार बंदे। यहाँ पे एक अंडररेटेड मोबाइल प्लेयर यहाँ पे चार बंदों को ठिकाने लगा पाएगा। चलिए देखते हैं, एक बंदे को नॉक निकाल के दूसरे बंदे पे हमला किया है।
क्या पर 1v3 पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए देखते हैं मिंटो अपने आपको थोड़ा सा क्रिकेट मारी है। 1v3 तैयार पूरे तरीके से, एक बंदे को काफी तगड़ी डैमेज दिया पर अंधा ग्लू वॉल के साथ आया और क्या हेड, क्या बात है, मूवमेंट काफी तेज दिख रही है। तीसरा भी नॉक भाई साहब, हमें ऐसा लग रहा है कि बंदा बड़ी स्लोली खेल रहा है पर मार गंदा रहा है यार जी। एक तो बंडल भी इतना भारी पहना है इस बंदे ने कि मूवमेंट दिखेगी नहीं इतनी ज्यादा, पर एक और हेड 2-0 से पे दूसरे ही राउंड में। भाई ये बंदा सच में बवाल है क्या, चलिए देखते हैं। तीसरा राउंड में हम फिर से आ चुके हैं। मिंटो शॉटगन के हेड मारे इस बार, ओके मिंटो तैयार इस मुकाबले के अंदर। जैसे हमने पुरानी स्क्वाडों के अगेंस्ट में क्लस देखे, प्रेव नेशन के अगेंस्ट में, कुछ यूट्यूबर्स के अगेंस्ट में क्या आज मार पाएंगे, चलिए देखते हैं क्या होगा इस मैच के अंदर 1v4 की जब फाइट होगी। बंदा अंदर आया, दो शॉट चला रहा है सामने वाला सीएल, तो और उधर से यूएमपी का हेड और 2-1 स्कोर होता नजर आएगा। जी हां मिंटू और बाप रे भाई क्या हेडशॉट था, एक और हेडशॉट भाई बूड पीकर से भी, क्या मार रहा है अरे बंदा। 1v2 की फाइट हो गई है, क्या पर 1v2 निकाल पाएंगे, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। काफी तगड़ा मैच निकाल रहे हैं, सिंगल हेड मार रहे हैं, पीछे बंदा है, यूएमपी का हेड पड़ा है 118 के और बॉडी शॉट दे दिया है। जी हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे आखिरी दो बंदे बच रहे हैं ना, थोड़े से अटक जा रहे हैं, पहले राउंड में भी देखा और अभी भी दिख रहा है, मतलब लाइक क्या था ये, मतलब बंदा मान नहीं पाया फिर अटक गए। चलिए देखते हैं फाइट 1v1 की, आखिरी बंदा राइट में और ये भी इलिमिनेट हो जाएगा इस राउंड में। थोड़ा सा ऐसा नर्वस से देखे मेरे को, जी हाँ मैंने चीज देखी। अरे 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 बंदा सीधे अंदर, फिर से खत्म, यहाँ पे 3-0 से 3-3 मैच हो गया देखते ही देखते, क्योंकि बंदे लगातार मारे जा रहे हैं और 3-4 हो गया है। क्या पे लड़कों के सामने वापसी कर पाएंगे स्कोर 3-4 लगातार 3 राउंड लेके, सामने वाली स्क्वाड बता रही है मिंटो को कि आसान नहीं होने वाला है। और बाप रे कितनी दूर तक हेड गाइस, जो भी वीडियो बना रहे हो वीडियो को कर दो लाइक, वीडियो का एक और नॉक, वीडियो को लाइक होने वाला है 20,000 लाइक, क्या हम इस वीडियो पर 20,000 लाइक हिट कर पाएंगे या फिर नहीं। और एक अंडररेटेड प्लेयर, और बाप रे काफी तीखे हेडशॉट्स यहां पे दिए हैं, 1v2 की जी हाँ यहाँ पे देखते हैं भाई, बंदे में दम तो है बट कहीं ना कहीं, अरे रे रे जैसे दो बंदे बचते हैं ना हेडशॉट लगने बंद हो जाते हैं मिंटो के। स्टार्टिंग के दो बंदों को तो काफी अच्छे हेड मारते हैं पर उसके बाद हेडशॉट नहीं दिखते हैं और वही चीज दिख रही है नर्वसनेस, या फिर पहली बार खेल रहे हैं 1v4 मेरे सामने, तो उस चीज का प्रेशर तो होता ही है यार जब इतनी बड़े स्टेज पे खेलने की ट्राई करो। और चलिए देखते हैं यहाँ पे, पर सामने वाले बंदे भी कुछ ज्यादा मतलब मजबूत से नहीं दिख रहे हैं मेरे को, जिस हिसाब से वो मार रहे हैं हल्के में ही ले रहे हैं शायद। मिंटो देखते हैं क्या पर 1v4 निकाल पाएंगे, आखिरी बंदा एक बंदे को निकाल चुके, फिर से बॉडी बड़ी है, समझ क्यों गाइस ये हो क्या रहा है, मतलब पहले दो बंदों को हेडशॉट फिर दो बंदों को बॉडी, क्या ये बंदा मैच निकाल पाए, लीजिए बॉडी से मर गया बंदा। मिंटो और भाई पहले दो बंदों को क्या हेड मारता है फिर उसके बाद भाई लीजिए एक और हेड, 1v2 की फाइट हो गई है, मिंटो ऑन फायर, बंदे को देखा बंदे ने बॉल लगाई है, बंदा हील कर रहा था साथ पेड़ के पास, लीजिए फिर से बॉडी स्टार्ट होगी यहाँ पे, दो बंदों को सिर्फ हेड ही हेड पड़ता है बाकी दो को बॉडी, ये क्या बला है। और पर इस बार हेडशॉट आएगा कहीं ना कहीं फाइट, और बाप रे इस बार तो स्क्वाड को हेडशॉट के साथ खत्म, 5-4 स्कोर हो चुका है और यहाँ पे लाफिंग इमोड दिखा रहे हैं मिंटो, गलती तो नहीं कर दी क्योंकि 5-4 बंदे को अगर इमोड दिखाते हैं ना हम तो बंदे गुस्सा आते हैं भाई, अगर ये गुस्सा आ गया ना उन बंदों को तो मिंटो की हालत खराब हो जाएगी साहब। चलिए देखते हैं मिंटो तैयार है पे क्या पे 1v4 को निकाल पाएंगे, डैमेज दिया है सिंगल बॉडी, अंदर बंदा है स्पैम देगा दो शॉट दे रहे इधर से, अरे रे रे स्पैम कौन जीतेगा, ओ कहना के हेडशॉट पड़ गए, मैच 5-5 पे, यही बात मैं बोल रहा था इमोट नहीं दिखाने थे, लास्ट राउंड डिसाइडर राउंड कौन ये मैच जीत के जाने वाला है। अरे भाई वो बंदा कहां देख रहा है, ये बंदे भी सामने वाले थोड़े से ठंडे, पर एक और हेड काफी तीखा हेड फाइट 1v3 की, एक उभर तो वो लेजेंड मोबाइल के अंदर जो खेल रहा है तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। इस बंदे को लाइव में जरूर ट्राई करेंगे जब मैं करूंगा तो दूसरे चैनल पे, अगर आपको भी अपना गेम दिखाएं तो दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं गेम प्ले खुद का भी करता हूं और आप लोगों का भी देखता हूं और रिएक्शन भी करता हूं आपके चैनल पे। अब फिलहाल देख लेते हैं 1v2 में क्या होगा, बंदे को दिखाया डैमेज दिया है, सिंगल शॉट मार रहा था 1v2, मेरे पसीने छुटा दिए भाई इस बंदे ने, जिस हिसाब से बंदा खेला है ना इस गेम के अंदर, स्वच्छ में उम्मीद नहीं थी कितना तगड़ा गेम दिखाएगा, ऊपर 80 के हेल्थ लग रहा है, जाने का टाइम हो गया, पर हेडशॉट और बॉडी के साथ काफी तगड़ा संतुलन। और आखिरी बंदा, अरे बाप रे इसके साथ मैच खत्म करेंगे, पर यार ये बंदा काफी तबाही खेला इस मैच के अंदर, क्यों गाइस पहले दो बंदे तो इसने क्या ही मारे, मतलब घुसा हेड हेड खत्म, पर बाकी के तो बॉडी हेडशॉट बॉडी हेडशॉट ऐसा करके, पर बंदा तगड़ा खेला है
जैसा भी है, पर अगली बार उसको दोबारा से ट्राई करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।